गुड मॉर्निंग न्यूज डॉट इन जो आपको रखे सबसे आगे। सुप्रिया चौधरी का नाम सुना है? सुने हैं। तो क्या लगता है? कम है लगता है। सुप्रिया चौधरी का कहीं खाता नहीं खुलेगा। नमस्कार, आप सभी का आप देख रहे गुड मॉर्निंग न्यूज और मैं हूँ त्रिशा। फिलहाल बिहार विधानसभा चुनाव में सुप्रिया चौधरी का नाम काफी चर्चे में है, तो आइए जानते हैं लोगों से कि उन्हें क्या लगता है, क्या सुप्रिया चौधरी इस बार चुनाव जीत पाएंगे? इस बार जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कुसुम प्रिया चौधरी भी उतरी है चुनाव में, तो उनके बारे में सुना है? सुना नहीं है। रूरल्स पार्टी के नाम नहीं सुना है? सुना। अच्छा, तो क्या लगता है कि मतलब नीतीश फिर बाकी सभी दलों के ऑपोजिट जो वो उतरी है तो क्या वो चुनाव जीत सकती है? इस बार तो ऐसा समझ में आ रहा है, कुछ जनता लोगों से भी सुन रहा है कि नीतीश की सरकार गंभीरता है, वो शायद हार जाए। तो मतलब उसके अलावा दूसरा कोई मतलब पुष्पम प्रिया चौधरी जीत सकती है? हाँ, ये आरजेडी के पार्टी में अगर होंगी तो वो जीत सकते हैं, क्योंकि तेजस्वी का आरजेडी की पार्टी नहीं, उनका दूसरा अपना पार्टी है प्लूरल्स पार्टी, जिसके बारे में नहीं बता सकते, ताकि इधर आम लोगों से भी पता चल रहा है कि तेजस्वी यादव का फील्ड अच्छा है। आपको क्या लगता है बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें पुष्पम प्रिया चौधरी कैसा करेंगी, क्या वो जीत सकती है? जरूर जीत सकती है, ऐसा करेगी ऐसा जीतेगी, जैसा जनता को सेवा करेगा वैसे उसको भी मिलेगा। ठीक है, तो मतलब नीतीश की सरकार के मुकाबले आपको लगता है वो अच्छा काम कर पाएगी अगर वो सत्ता में आ जाती है तो? देखिए, अभी वैसा तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन वो आएगी उसके बारे देखेंगे, आदमी लोग देखेगा, उसके बाद ही नीतीश होते हैं। अगर आपको मौका मिला तो आप उनको वोट दीजिएगा? ऐसा होगा, जरूर देंगे। मेरा नाम कन्हैया लाल। आपको क्या लगता है बिहार में इस बार जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो पुष्पम प्रिया चौधरी जीत पाएगी चुनाव इस बार, आपके राय क्या है? उम्मीद तो नहीं लगता है कि जीत पाएगी, इसलिए कि आज लाइटेड में आ गई है और 10 दिन पहले कोई भी नाम नहीं है। मतलब आपका कहना है कि उसका नाम किसी से सुना नहीं है अभी? ना, ये अभी आपका पहली हम सुन रहे हैं कि क्या वो जीत सकती है, तो पहले तो लाइट में रहती तो वो आदमी जैसे पप्पू यादव है उसका नाम था, लेकिन आज के डेट में अभी है चर्चा तो, नहीं हुआ उसका? नहीं, चर्चा नहीं। अगर आपको मौका मिले, अगर आपको मौका दिया जाए तो क्या आप उसको वोट दीजिएगा? नहीं, हम लोग तो नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि हम लोग सरकार से फायदा होगा, मुझे तो मार्फत हम लोग चल रहे हैं, जिससे हमको जो पैसा आमदनी हो रहा है या मेरा काम हो रहा है तो हम तो उसी को पक्ष लें। मतलब आप इसी सरकार से संतुष्ट है, आप बदलाव नहीं चाहते? देखिए, इसे तो सरकार है, जो रहेगा वही रहेगा, कोई फायदा नहीं है, सरकार तो जो रहेगा वही रहेगा। चुनाव लेके कोई फायदा नहीं है, आप सब कहना है? कहने के मतलब चुनाव तो होवे करेगा, बाकी कहने में जो सरकार वर्तमान अभी है वही सरकार रहेगा, उसका उससे कोई फर्क नहीं होगा, कितना भी कोई हल्ला करे कोई फर्क नहीं है। अगर आपको एक मौका दिया जाए तो आप पुष्पम को मतलब वोट दीजिएगा? अभी क्षेत्रीय पार्टी अभी है। तो पुष्पम का नाम सुना है आपने? पुष्पम प्रिया चौधरी का नाम सुना है? सुने हैं। तो क्या लगता है? उम्मीद कम है लगता है। मुख्यमंत्री के लिए कोई नया चेहरा कोई नहीं है, तो आपको लगता है कि अगर वो उतरी तो जीत नहीं पाएंगे? देखिए, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि जीत नहीं जाएंगे, उतना वोट आएगा तभी ना सरकार बना पाइएगा। जी, मेरा नाम प्रोफेसर उज्ज्वल प्रसाद यादव है। इस बार क्या लगता है बिहार विधानसभा चुनाव में पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव जीत पाएंगी? पुष्पम प्रिया चौधरी का कहीं खाता नहीं खुलेगा, पूरे 243 पंद्रह रहेंगे जमानत चल रही है। क्यों आपको लगता है उनका खाता नहीं खुलेगा? इसलिए कि उनके पास कोई आइडियोलॉजी और विजन नहीं है। आपको क्या लगता है कि अगर वो सत्ता में आ गई तो वो बिहार के लिए क्या कुछ करेंगे? सत्ता में आने का सवाल ही नहीं है, नीतीश कुमार का विकल्प ही नहीं है बिहार में, मतलब उनके अलावा कोई नहीं? कोई नहीं। अगर आपको एक मौका दिया जाए तो क्या पुष्पम को वोट दीजिएगा? जी नहीं, मैं वोट नहीं दे सकता, मैं नीतीश कुमार को वोट दे सकता हूँ, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और चरण सिंह के बाद अगर कोई नेता है इस बिहार का और देश का तो आदरणीय और पूर्णीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हैं, और बिहार का 130 नीतीश और फिर बार 230 जय नीतीश तय नीतीश। मतलब आप नीतीश के राज्य में खुश है, उन्हीं को देखना? एकदम नीतीश के राज्य में बिना माँ बहनों की महिलाएं सड़कों पर घूम रही हैं,
लालू जी के राज में मैं यादव हूँ। लालू जी के राज में ऐसा संभव था? आप भी वहाँ में आज इंटरव्यू ले रही हैं, क्या आप संभव था आपको 15 वर्ष उनके जंगल राज के दरमियान आप इंटरव्यू दे सकती थी? जैसा कि आपने देखा, हम लोगों के बीच गए, हमने ये जानने की कोशिश की कि उन्हें क्या लगता है, क्या इस बार पुष्पम प्रिया चौधरी चुनाव में अपना खाता खोल पाएंगे। सभी की राय इस पर अलग अलग थी। अब तो ये विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि पुष्पम सत्ता में आती है या नहीं। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार। गुड मॉर्निंग न्यूज़.इन, जो आपको रखे सबसे आगे।